हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मोलटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ओके, 172 रुपीज़, मतलब 10% 11% ये शेयर यहाँ पर आज भागते हुए नजर आया। ज़्यादा ही भागा था, 184 तक ये शायद गया था और उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए और क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके आ गए Q3 के रिजल्ट। ओके, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ गए। तो किस तरीके के रिजल्ट है, हमें क्या देखना है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। ओके, तो मैंने सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ मोलटेक। ओके, मोलटेक से रिलेटेड क्या हमने वीडियो बनाई है, दो महीने पहले मैंने इस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। और उस टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस टाइम इस शेयर का प्राइस, और देखिए मैंने यहाँ पर चार वीक पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी। ओके, मैंने यहाँ पर काफी बार वीडियो बनाई है। मोलटेक उस टाइम कितने का शेयर था, उस टाइम शेयर प्राइस है 100 रुपए, 100 रुपए का शेयर हुआ करता है 2 महीने पहले। यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ चलता था, ओके, 100 रुपए के आसपास यहाँ पर था ये शेयर। और उसके बाद यहाँ पर फिर वीडियो बनाई थी, उस टाइम यहाँ पर शेयर था और फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए आपके सामने टारगेट क्या दिया था, 200 रुपए, ओके। और यहाँ पर जो पहला हमारा टारगेट आ रहा था वो यही आ रहा था और इस इधर ही चीजें आके रुकी भी है। तो 181 मतलब कितना, 100 रुपए से 80, 2 महीने में कितने, 80% के रिटर्न। उस साल में कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं, अगर आप इसी तरीके से कंपाउंडिंग करते हैं तो चीजें आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप सोच रहे हो कि आपने कोविड में पैसा बना लिया, किसी की एडवाइस लेके पैसा बना लिया या कैसे भी बना लिया, ओके, तो उस वो अभी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मार्केट गिर रही होगी ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। आप केवल वहां पर उसे फॉल देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ओके, और यहाँ पर चीजें भागेगी, हम 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना है। तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। चीजों को सही टाइम पे खरीदना, सही टाइम पे बेच देना, ये एक आर्ट है जो कि आपको चीजें सीखने पर आएगी। तो यहाँ पर मोलटेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे, Q3 के नंबर एनालाइज करेंगे, बट उससे पहले 2 मिनट आपके लूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीडियोज आपके लिए लाई जाती है और उन शेयरों में बताया जाता है कि एग्जैक्टली होगा क्या और किस तरीके से होता है। आपको पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, इसका चार्ज है 1000 रुपीज पर मंथ। और इसमें हम क्या क्या देते हैं, यहाँ पर देखिए मोलटेक टेक्नोलॉजी 100 रुपए पे दिया था और बार बार यहाँ पर अपने ग्रुप में, ये देखिए वेल्थ क्रिएटर ग्रुप है, बार बार बताया था 11% आ जाओ। फिर मैंने एक स्टॉक्स और दिया था, ओके, और वो 5% ड्रॉप, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। और यहाँ पर देखिए डेटा पैटर्न्स मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दिया है, डेटा पैटर्न्स यहाँ पर कल शेयर दिया था 10% अप। और दोबारा देखिए कल के शेयर देखिए, कजारिया का आधा सेल करने के लिए 4% डाउन। एक शेयर है यहाँ पर, नाम मैंने छुपा रखा है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर हमारे वेल्थ क्रिएटर ग्रुप वालों के लिए, इसलिए हमने नाम छुपा रखे है। 5% अप ये वाला शेयर, 5% अप ये वाला शेयर, 3% अप ये वाला शेयर, 4% अप। देखिए दिस इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द यस्टरडे स्टॉक, आई डिड नॉट काउंट द 1 or 2, मतलब 1-2% के रिटर्न तो मैंने काउंट नहीं किया, मैंने केवल बड़े बड़े। और देखिए अभी पिक्चर पूरी बाकी है, और शेयर दिए थे 20% अप, 14% अप, 8% अप, 7% अप, 5% अप, और कजारिया सेरे में जो कि मैंने यहाँ पर दिया ही है कि 4% अप। तो ये तो हमारी डेली की परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की, जो हम यहाँ पर देते हैं और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हैं। और परफॉर्म केवल इतना ही नहीं कि यहाँ पर कर दिया और खत्म, इसके बाद परफॉर्मेंस तो शुरू होती है। ये तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी की पूरी बाकी है। इसलिए आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, 1000 रुपीज पर मंथ है, ओके, और यहाँ पर ऐड होके फायदा उठा सकते हैं। और 1 month हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री देता हूँ उन लोगों को जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं और हमेशा के लिए। फिर उसके बाद 500 रुपीज फीस भी आधी कर दी आपके लिए, 500 रुपीज। तो ये कोर्स है जहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि चीजों को सीखना सीखिए, चीजों को सीखना करेंगे तो एग्जैक्ट टारगेट देखिए क्या यहाँ पर लाइन बनाई थी, एग्जैक्ट टारगेट ये अभी की लाइन नहीं है, जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने दिखाई थी, आई बटन पर लिंक दूंगा, तो आपको पता चलेगी कि यहीं पर ही टारगेट आते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे कैसे हुआ, क्या ऐसे टेक्निकल देखने हैं, क्या ऐसे फंडामेंटल देखने, बेसिक्स टू एडवांस, रिसर्च और फंडामेंटल और टेक्निकल सब सिखाया जा रहा है। 8860540501 8169261037 कॉन्टैक्ट करिए, 15,000 रुपये जरूर लूंगा, ओके, और 1-to-1 में सिखाऊंगा और आपकी सारी क्वेरीज और 3 months की प्रैक्टिकल लर्निंग। सीखने के बाद भी कभी प्रॉब्लम आती है आज जाके कभी भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स और स्ट्रेटेजी जो मार्केट में यूज करता हूँ और जैसे जैसे मार्केट चलती है वो सब बताते हुए नजर आता हूँ। तो आप आइए, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ओके, काफी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो मोलटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या करती हुई दिखाई देती है, प्रोवाइडिंग सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज। ऑलरेडी इसके शेयर से रिलेटेड दो दो बार वीडियो बनाई है और मैंने वो सब कुछ बताया, तो आई बटन पे लिंक दूंगा, तो इसके फंडामेंटल देख लीजिएगा ताकि चीजें समझ में आए। ओके, और ये मोलटेक पैकेजिंग एक शेयर होगा उसके, यहाँ पर ये सेपरेट होती हुई नजर आई थी। देखिए ना के बराबर डेट है, ROC ROE काफी बेहतरीन है, 20 के PE पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सस्ता शेयर नजर आता है। ओके, और यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, लोग बड़ी बड़ी कंपनी में लेके फंस जाते हैं, हम छोटी कंपनी देते हैं अच्छी शेयर बनाने, कोई भी यहाँ पर HDFC बड़े शेयर नहीं मिलेंगे, सारे छोटे छोटे शेयर बनेंगे। 184 का ही 100 रुपए पे शेयर बताया था, अभी 84% के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का शेयर। तो देखिए अपसाइड डाउन आते रहते हैं, तो इसका मतलब है हमें ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट भी बुक करना है, ऐसा नहीं है कि ले लिया और खत्म। तो हम यहाँ पर चीजें बताते हैं अच्छे तरीके से बताते हैं, जो पर्सनल हमारी रिकमेंडेशन लेता है उसे और अच्छे तरीके से यहाँ पर गाइड करते हुए नजर आते हैं। सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्स लगातार सेल्स, तो इस बार के जो रिजल्ट आया है 40 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, 13 करोड़ 18 लाख रुपए का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, 32% का मार्जिन है जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा है। इस वजह से शेयर आज आप देखोगे तो शेयर यहाँ पर 10% 11% भागता हुआ भी नजर आया। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए, EPS लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ 21 लाख रुपीज का है, और यहाँ देखिए कंपनी अब दोबारा अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है, EPS अच्छा खासा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी खासी है, रिजर्व्स अच्छे खासे 78 करोड़ के, 6 करोड़ की यहाँ बोरिंग रही है, 14 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट और कैश यहाँ पर 23 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स, यहाँ पर प्रमोटर्स 48 करोड़ रुपीज के 49% के आसपास का यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ओके, जो कि बढ़ती हुई नजर आई है। ओके, एज वेल एज अगर हम बात कर दे कि यहाँ से यहाँ बढ़ी, यहाँ से यहाँ, मतलब कम प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, FIs और भी ना के बराबर है। पब्लिक की बात करें 50% के शेयर जरूर है, बट कुछ लोगों ने हिस्सेदारी यहाँ पर रख रखी है। तो चीजें समझनी है, अगर चीजों को समझेंगे तो पैसा यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये बात करी कि ये टारगेट आए थे और जो टारगेट हमने बताए थे वो टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। अब क्या आगे की पिक्चर क्या है, और आगे की पिक्चर में यहाँ पर आपको पूरा खुलासा करता हुआ नजर आता हूँ। देखिए टारगेट ये थे, ये अचीव हो चुके हैं पहली बात, अब क्या यहाँ पर हो सकता है, तो शेयर अभी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में बना हुआ है, यहाँ पर RSI कह रही है पॉजिटिव है, यहाँ पर मोलटेक कह रहा है कि ये चार्ट कह रहा है कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव हूँ और ये मैं और ऊपर जाऊंगा। बट क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, 184 को जैसे ही क्रॉस करेगा चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और कितनी ऊपर जा सकती है अब उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कप बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा कप, और ये हैंडल का है ब्रेकआउट, चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है, इस चीज को याद रखिएगा, और ऊपर के लेवल पे फंसने की जगह ट्राई करिए कि हमेशा नीचे के लेवल पे ले, और जब यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो ये टारगेट कितने आते हैं वो टारगेट अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर जो टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो टारगेट दिखाई दे रहे हैं 215 रुपए के आसपास के, तो 215 रुपए के पहले टारगेट है, पर चीजें जब चलना शुरू करती है तो ये तो केवल हमारे टेक्निकल के हिसाब से टारगेट दिखा रहा है, चीजें ऐसे रुकती नहीं है, चीजें फिर 300, 200, 400, 500% के रिटर्न यहाँ पर देती हुई नजर आती है। तो शायद ये शेयर 300 भी हो सकता है और ये शेयर शायद 400 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसकी परफॉर्मेंस पे कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस देती जाएगी शेयर ऑटोमेटिकली भाग लेगा। तो क्या यहाँ पर लेना चाहिए, कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाए, ओके इस लेवल पे दोबारा आ जाए तो यहाँ पर बाइंग करिए, अगर इस लेवल पे आता है तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से क्रॉस करता है तब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो चीजें और ऊपर जाएगी। बट याद रखिएगा जितनी ऊपर जाएगी उतना रिस्की होता जाएगा, तो शेयर को हमेशा नीचे के लेवल पे खरीदेंगे तो प्रॉफिट होगा, ऊपर के लेवल पे खरीदना है तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखना है ताकि चीजें आपके रिवर्स आए तो आप कम से कम ना के बराबर लॉस में जाए, और यहाँ पर जब चीजें ऊपर जा रही है तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट है ही। तो यहाँ पर चीजों को समझिए, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ओके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, जब चीजों को सीखेंगे तो मैं इस कोर्स को इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर वन कोर्स मानता हूँ। जैसे किसी ने भी सीख लिया, कोई अंग्रेज भी सीखने आएगा और सीख लिया तो अपनी मार्केट में भी जाके धूम मचाएगा, इस तरीके का कोर्स है। व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाइए ताकि यहाँ पर चीजें समझ में आए, बाकी वीडियोस को देखिए, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि चीजें और यहाँ पर उनके लिए भी आसान हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।